हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल जिसका नाम है ब्यूटीफुल विद इन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लीमिनो फेयरनेस क्रीम के बारे में। फ्रेंड्स, इसके बारे में बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, खासकर मेरे जो फेयरनेस क्रीम है जो मैंने किए थे वीडियोस रिगार्डिंग फेयरनेस, फेयरनेस के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियोस किए हैं। उसके नीचे बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि मैम प्लीज आप इस वाले क्रीम का रिव्यू करें, आप यूज करें और हमें बताइए क्या ये जेन्युइन प्रोडक्ट है। सो आज मैं इसका रिव्यू वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। आज की वीडियो में हम सब कुछ बात करेंगे कि इस क्रीम को कौन अप्लाई कर सकता है, कि क्या इससे आपको वो सारे जो क्लेम्स वो ये क्रीम जो क्लेम करता है क्या वो सही में ट्रू है, एंड इसके साइड इफेक्ट्स है क्या, सब कुछ। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, ग्लीमिनो नाम है इसका एंड इट्स नेचुरल फेयरनेस क्रीम। इस तरह के एक कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है एंड इसमें है SPF 40। प्रमोट्स ब्राइट इवन स्किन टोन, एडवांस्ड एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट फॉर ऑल स्किन टाइप्स, ये सब पैकेजिंग पे के ऊपर लिखा हुआ है। एंड इसका नेट वेट है 40 ग्राम्स। इनसाइड आपको कुछ इस तरह की ट्यूब दिखाई देगी विच इज क्वाइट ब्यूटिफुल। इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी लगी मुझे एंड 40 ग्राम्स फॉर प्राइस ऑफ रुपीज आई थिंक 195 यस इसकी MRP है। एंड मैं परचेस लिंक इसकी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्रेंड्स आप वहां से चेक कर सकते हो। और मेरे जो रिगार्डिंग जो मैंने रिलेटेड वीडियोस हैं फेयरनेस क्रीम के ऊपर या फेयरनेस सोप के ऊपर, उनके भी लिंक्स मैंने डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। सो बहुत लोगों ने कहा था कि ये बहुत लोग कहते हैं कि क्रीम बहुत अच्छा है, सो प्लीज दी आप बताइए। सो मैंने इसे ऑलमोस्ट अराउंड 20 डेज हो गए हैं इसको यूज करके और मैं आपको पूरा बता सकती हूँ कि ये क्रीम कैसे वर्क करता है, ठीक है फ्रेंड्स। सो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये केरिनो फार्मास्यूटिकल कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एंड इट्स अ कंप्लीटली आयुर्वेदिक फेयरनेस क्रीम एंड GMP सर्टिफाइड है, IAF सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड भी है। और इसके पैकेजिंग के ऊपर सारी चीजें लिखी हुई है, लाइक इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है सब कुछ। द मेन टू इंग्रेडिएंट्स अबाउट दिस फेयरनेस क्रीम इज मुलेथी एंड रेड सैंडलवुड जोनी। सो मैं आपको पूरा इन ऑल बताती हूँ कि इस क्रीम का जो पहली चीज है कि ये क्रीम बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड है। मैं इसको यहाँ पे आपको टेक्सचर दिखा दूंगी, बहुत ही ज्यादा लिक्विड टेक्सचर में है। मैं यहाँ पे भी आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा, जैसे ही आप निकालेंगे ना, सो ये बहुत ही रनी कंसिस्टेंसी में है। ज्यादातर अगर मैं कोई फेयरनेस क्रीम की बात करूँ तो बहुत ही ज्यादा थिक क्रीम के टेक्सचर में होता है। ये क्रीम है लेकिन एक लोशन काइंड ऑफ टेक्सचर में है, विच आई रियली राइट बिकॉज अगर यह कहता है कि ऑल स्किन टाइप पे सूटेबल है तो यस, अगर ऐसे टेक्सचर में होता है तो सभी स्किन टाइप के लिए सबसे अच्छा होता है, खासकर ऑयली स्किन वालों के लिए। अगर कोई ऑयली स्किन वाला है उसको क्रीम्स अप्लाई करने का हो तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती है, उनके चेहरे पे ऑलरेडी ऑयल होता है। सो व्हाट आई फेल्ट अबाउट नाइस अबाउट दिस वन, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है फ्रेंड्स एंड ये बहुत ही लाइट वेट है, आप देख सकते हो इमीडिएटली अपनी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन यू, आप इसको अच्छे से जितना आप चाहते हो उतना आप लगा सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। सो मैं इसे इतना सा ही लेती हूँ और अप्लाई कर लेती हूँ। एंड बाकी फेयरनेस क्रीम से मैं अगर कंपेयर करूँ तो वो एक व्हाइट कास्ट जो देता है ना फेयरनेस क्रीम, आपको आपके चेहरे और आपके नेक पे डिफरेंस पता चल जाता है, कुछ ऐसा पाउडर सा या व्हाइट सा कुछ लगाया हुआ है चेहरे पे। ये क्रीम वैसे काम नहीं करता है, ये कंप्लीटली आयुर्वेदिक फेयरनेस क्रीम है। सो ये खास मुझे अच्छी लगी, आपको एक स्किन टोन लाइटर देखने मिलेगा अगर आप इसे अच्छी तरह से यूज करते हो तो। पहले आपको करना है एक फेस वॉश, फेस वॉश करने के बाद अपने चेहरे को पैट ड्राई करें विद अ टॉवल एंड उसके बाद इसे अप्लाई करें। और इसकी खास बात मुझे और एक अच्छी लगी कि ये एक मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है। सो फॉर ऑल द स्किन टाइप्स आई एम टेलिंग, बी इट अ नॉर्मल स्किन हो या फिर ड्राई स्किन हो आपकी या फिर ऑयली स्किन हो, ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजेशन है, मॉइस्चराइज करता है अपने फेस को, हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। और जैसे मैंने कहा फेयरनेस क्रीम का जो नाम है तो फेयरनेस क्रीम जैसा आपको फेयर लुक भी देता है एंड ऑल्सो कि इसमें SPF 40 है। सो सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि हमको अलग से एक पहले सनस्क्रीन नहीं लगाना है, फिर एक मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है और फिर कोई क्रीम नहीं लगाना है, BBCC क्रीम अगर आप कोई लगाते हो तो। सो ये तीनों प्रोसीजर को ये एक क्रीम में कन्वर्ट हो जाता है, सो 3-in-1 काम कर लेता है। ये आपका मॉइस्चराइजेशन देता है आपकी स्किन को, तो एज अ मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लो। सेकेंडली इसमें SPF है विच प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट द सन। सो इसी क्रीम को सिर्फ अप्लाई करने से तीनों काम हो जाते हैं और आप जस्ट यू नो जो बहुत ज्यादा लेजी है फेस वॉश कर लिया और थोड़ा सा ग्लैम करने के लिए अपने चेहरे को ये लगा लो। सो दैट इज व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ दिस क्रीम। बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया हो कि फेयरनेस क्रीम को जिस तरह से इस्तेमाल करना है वैसे ही करना है। अब बहुत लोगों के क्वेश्चन ये आएंगे कि मैम क्या इसे हमें कितने टाइम तक रेगुलरली यूज करना होगा ताकि हम देखें कि हमारी स्किन फेयर हो गई है। तो फ्रेंड्स, मैं नहीं कहूंगी कि एक मैजिकल प्रोडक्ट है कि आप इसे लगाओ और आप इंस्टेंटली गोरे हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, बाहर जाने से पहले जो हमको चाहिए ना हमारे फेस पे जो ब्यूटी चाहिए उसको ये इनहांस करता है, ये अच्छा आपको फेयर लुक देता है।
एंड अगर आप उसे 1 से 2 महीने या 3 महीने लगातार इस्तेमाल करोगे तो आप देखोगे कि इसका रिजल्ट परमानेंट हो जाता है ना फ्रेंड्स। बहुत लोग कहते हैं कि कब तक इस्तेमाल करें तो हमारा रिजल्ट परमानेंट हो, और फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि एक बार हमको हमारा अचीव्ड रिजल्ट मिल गया उसके बाद ही क्या हमें वापस हमारे पहले वाले स्किन टोन पर चला जाएगा अगर हम इसे बंद कर देंगे तो यूज़ करना। सो फ्रेंड्स, ये पहली बात तो एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, आप समझ जाइए, और ये अपने स्किन को कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देता है, तो लगातार आप इसे कंटिन्यूस यूज़ कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको स्टॉप करना है यूज करना, अगर अचीव्ड रिजल्ट्स मिल गए हैं आपको, तो आपको आपका चेहरे का ध्यान रखना है, आपको सनस्क्रीन लगाते रहना है, धूप में अपने चेहरे को कवर रखना है, जितना ज्यादा पानी पी सको पानी पियो, एंड इफ यू कीप योर स्किन हेल्दी आपका जो मेंटेन रिजल्ट है आपको मेंटेन रहेगा लॉन्गर टाइम तक भी, तो स्किन को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसे बंद करने से आप ना ही आप वो पहले वाले स्किन टोन पे पहुंच जाओगे, ना ही आपको कोई ड्रॉबैक हो जाएगा कि यार एक मेडिकेटेड या आयुर्वेदिक क्रीम लगा रहे थे अब बंद कर दिया तो ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंड ऑल्सो मैं कह दूं कि आयुर्वेदिक होने के साथ साथ ये अपने चेहरे पे सूट होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो एक पैच टेस्ट जरूर करें, और अगर आप इसे 1 वीक तक लगा रहे हो और आप देखते हो फिर कुछ और ना इस्तेमाल करें, अगर आप ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हो पहली बार तो देखोगे कि अगर कुछ भी साइड इफेक्ट है तो मैं सिर्फ ये कहूंगी कि बहुत ही ज्यादा जो अगर सेंसिटिव स्किन है कभी कभी हो सकता है, ये 1 या 2% के लोगों के साथ हो सकता है कि उनको छोटे छोटे दाने निकल जाए। इससे आपको पता चलता है कि आपको ये क्रीम सूट नहीं करता है, इनके जो इंग्रेडिएंट्स हो जैसे रेड सैंडलवुड है मुलेथी है शायद आपके स्किन पे सूट ना करे। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी है और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी है, तो वही काफी अच्छा है। सनबर्न की वजह से अगर आपके चेहरे पर रेडनेस आ जाती है, बहुत लोगों को सनबर्न हो जाते हैं धूप में निकलने से, तो ये कूलिंग सेंसेशन भी देता है। सो ये काफी हद तक नरिश करता है और मॉइस्चराइज करता है अपनी स्किन को, आप इसे इजिली अपने पर्स में भी कैरी कर सकते हो। और एक चीज की कमेंट आएगी मुझे पता ही है लोगों की कि क्या हम इसे फुल बॉडी पे लगा सकते हैं, तो यस डेफिनेटली इसमें सनस्क्रीन है, एक सनस्क्रीन की तरह काम करता है बिकॉज एसपीएफ 40 है, बट दिस क्रीम बना है फेयरनेस ऑन द फेस के लिए। तो मोस्टली इसे मैंने तो अप्लाई किया है ऑन द फेस ओनली, लेकिन अगर आपको अपने हैंड्स पे अपने लेग्स पे अप्लाई करना है तो यू कैन डेफिनेटली यूज इट टू गेट दैट लुक। एंड बस यही सारी चीजें थी। इसकी ड्रॉबैक मैं अगर कहूँ तो मुझे ज्यादा कुछ ड्रॉबैक लगी नहीं है। फ्रेग्रेंस भी बहुत ही ज्यादा माइल्ड एंड आयुर्वेदिक फ्रेग्रेंस है, बिल्कुल ही आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है। एंड सिर्फ ड्रॉबैक के लिए मैं इतना ही कहूंगी कि प्लीज आप ये ना समझे कि लगा लिए तो आप बहुत ही ज्यादा गोरे हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो अपना क्लेम कह रही है फेयरनेस क्रीम का है तो ये बहुत ही नेचुरल तरीके से आपको फेयरनेस देगी, बिल्कुल ही आर्टिफिशियल फेयरनेस वाला प्लीज मत सोच के लेना इस क्रीम को, एंड इट वर्क्स ऑन योर स्किन। सो ये मुझे काफी अच्छा लगा, और मैं अपनी चैनल पे फेयरनेस को प्रमोट नहीं करती हूँ, आई ऑलवेज से दैट कि फेयरनेस के साथ अपनी स्किन को हेल्दी रखना भी बहुत जरूरी है। तो पैराबीन्स वाले प्रोडक्ट जो आपको इंस्टेंटली फेयरनेस देते हैं एंड ऑल दैट पे मैं ज्यादा भरोसा नहीं करती हूँ, मैं ऐसे प्रोडक्ट पे भरोसा करती हूँ जो लॉन्गर टाइम तक हमें वो हमारी फेयरनेस को मेंटेन करे और हमारे स्किन के जो इश्यूज है उसको फाइट करे। तो ये एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट है फॉर दैट रिगार्ड्स। एंड यस यही हाँ मेरा सब कुछ इस फेयरनेस क्रीम के ऊपर टेक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है इसके बारे में कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन फ्रेंड्स नीचे खुला है, प्लीज आपके क्वेरीज लिख देना, मैं सॉर्ट आउट कर। यस आई होप मजा आया हो वीडियो की इन्फॉर्मेशन जानकर। दिस इज प्रोडक्ट आई हैव ओनली टेकन फॉर माई सब्सक्राइबर्स आउट देयर, तो प्लीज लाइक जरूर करना इस वीडियो को ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आपके जो रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर उसको यूज करके आपके लिए रिव्यू लेकर आऊँ। टिल देन आई सी यू माई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। जाने से पहले आपको करना एक छोटा सा काम, जाने से पहले करना है सब्सक्राइब, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे तो फैमिली में ज्वाइन होने के लिए मत भूलना सब्सक्राइब हिट करना, और साथ ही में वो छोटी सी बेल आइकन को भी हिट करना मत भूलना। टिल देन आई सी यू माई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। आप अपना ध्यान रखना और हमेशा हंसते रहना।